छत्तीसगढ़ में मंगलसूत्र पर गरमाई सियासत और डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आ गया। कहा कि कांग्रेस हमेशा बेतुके बयान देती है, कांग्रेस का चाल और चरित्र सबके सामने है, कांग्रेस की नीति फूट डालो वाली है, भ्रम और भय फैलाती है कांग्रेस। अरुण साव के बयान पर अब दीपक बैस का भी पलटवार आया, बीजेपी को महिलाओं का बयान याद नहीं। ये कांग्रेस के अब तक के इतिहास और कांग्रेस के घोषणा पत्र से निकलकर ये बात आई है। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन, नेतृत्वहीन है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और इसलिए इस प्रकार के बयान उनके आते हैं। देश की माता बहनों की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है, कांग्रेस की सरकार थी तब की है, और इसलिए आज भी बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता और महिलाओं को हक को छीनने का डाका डालने का काम किया, महंगाई बढ़ाने के नाम से। बल्कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी देश की माता बहनों के मंगलसूत्र बचाने का काम की है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, जब देश में युद्ध का स्थिति रहा, लड़ाई चल रही थी, तो देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने गहने तक सेना को दान किए थे। ये चीज शायद भारतीय जनता पार्टी को याद